गांव गढ़ी वाजिदपुर में आज एसएमपी वितरण के लिए सुपरवाइजर्स आई हुई हैं, रेखा सोनी जी और बाकी और सुपरवाइजर्स हैं जो राशन बांटने के लिए आई हुई हैं। ये यहाँ पे ग्राम सचिव बैठे हुए हैं जिनकी अध्यक्षता में राशन बंटने वाला था, और ये सरपंच आशा यादव का घर है जहाँ पे राशन बंटने वाला था, पर लाभार्थी महिलाएं आई और उन्होंने राशन लेने से मना कर दिया कि जब तक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की मांगों का समाधान नहीं हो जाता जब तक ना वो राशन लेंगी और ना कोई अन्य काम करेंगी। गांव वालों ने राशन लेने से मना कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। ये सभी ग्रामीण महिलाएं जो लाभार्थी हैं वो सब आंगनवाड़ी वर्कर्स के समर्थन में हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या आपको राशन लेना है? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना है? जब तक हमारी वर्कर हेल्पर वर्कर जब तक नहीं बांटता जब तक हम नहीं ले रहा हड़ताल खत्म लेंगे। अगर उनकी हड़ताल 6 महीने चली तो 6 महीने नहीं लेंगे हम। माता जी क्या आपको राशन लेना है? नहीं लेना, नहीं लेना जी, नहीं लेना। आंगनवाड़ी वर्कर ये बोल रही है कि हमारी तनख्वाह जो है कम है, जितना हम काम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता। तो आप बता सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर कितना काम करती है? बहुत ज्यादा करती है। क्या सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए? हाँ जी, मान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। क्या ये जायज मांगों के लिए लड़ रही है? सर आप कौन है, क्या बता सकते हैं? आप कौन है, अपना परिचय दे सकते हैं? मैं ऑफिस से हूं जी, सीडीपी ऑफिस से। हां जी। नाम आपका? हरदीप कुमार। क्या यहाँ पे ग्रामीण आपके राशन लेने का बहिष्कार कर रहे हैं? हां जी। क्या यूनियन वालों ने आपके कोई दबाव बनाया है? नहीं, कोई दबाव। आइए चलते हैं सुपरवाइजर से बात करते हैं। मैम अपना परिचय दे और बताए कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हूँ रेखा सोनी, और आज मैं यहाँ गांव में राशन बांटने आई थी सरपंच साहब महोदय की मदद से। बेनिफिशियरी आए भी मेरे पास राशन लेने के लिए, लेकिन जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की यूनियन थी उन लोगों ने यहाँ आकर उन लोगों को बेनिफिशियरी से राशन